तो हेलो फ्रेंड्स, आज की एक और धमाकेदार और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैं आपको इस वीडियो में गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग के जो प्रोसेस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग में सबसे पहले जो 24 कैरेट का बिस्किट होता है, जिसे रो गोल्ड भी बोला जाता है, यानी कि जो कच्चा सोना होता है, कच्चा सोना यानी कि जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर गोल्ड है, उस 24 कैरेट गोल्ड को उसे 24 कैरेट गोल्ड बोला जाता है। बराबर ना। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे कि कारीगर है, कारीगर को एक तोले की सोने की चेन बनानी है, तो चेन बनाने में बहुत ही आसान काम होता है। मैं आपको पहले आसान आसान चीज़ें बताता हूँ, बाद में हार्ड से हार्ड चीज़ें बताऊँगा। तो चेन बनाना बहुत ही आसान काम होता है दोस्तों। चेन बनाने के लिए क्या होता है कि जो 10 ग्राम का गोल्ड होता है उसके अंदर कुछ KDM या फिर कुछ सिल्वर का पार्ट या फिर कुछ जो क्या बोलते हैं कॉपर तांबा, इन सभी पार्ट को मिक्स करके उसकी प्योरिटी को 24 कैरेट से गिराकर 22 कैरेट बनाया जाता है, या फिर कस्टमर की डिमांड अगर 20 कैरेट हो तो उसे 20 कैरेट बनाया जाता है। तो उसे 22 कैरेट या फिर 20 कैरेट बनाने के बाद उसकी एक सीधी लाइन बनाई जाती है, उसको सिल्वर को मेल्टिंग किया जाता है, मेल्टिंग करके उसको एक साचा बोलते हैं ना, लोहे का साचा, साँचा होता है, साँचे में गिराया जाता है, जिस वजह से वो लंबी सी लाइन वहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। अब उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि जो लाइन बन गई उसका तार बनाना पड़ता है। तो तार बनाने की मशीन आती है, मशीन में डालकर पूरा तार बनता है, और तार बनने के बाद उस तारों के अंदर ही हाथ से गुथाई करके भी कारीगर जो लोग होते हैं वो चैन बना सकते हैं, उसको हम हैंडमेड चैन कहते हैं। वही अगर बात करें मशीन मेड चैन की, तो मशीन मेड चैन मतलब कि आपने देखा होगा कुछ मशीनरी वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, मशीन मेड जो चैन होती है उसमें इस तरह से कुछ इसका मैकेनिज्म सेट किया हुआ रहता है कि मशीन जो होती है वो एक से दूसरी लिंक को आपस में जोड़ देती है अपने आप ही, पता है ना कितनी स्पीड में काम करता है, कुछ इस तरह से उसका मैकेनिज्म काम करता है और इस तरह से मशीन मेड चैन बनी जाती है। तो ये तो हो गया चैन मेकिंग का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल प्रोसेस। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्ड की अंगूठी कैसे बनती है, जो बहुत ही अच्छा और दिलचस्प वीडियो रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।